आर के साथ बड़ी देर से बैठे हुए हाँ जी सर जी क्या कह रहे हैं uh, मैं साउथ इंडिया से हूँ एंड uh, आपको मैं दो तीन साल से देख रहा हूँ और आप मेरे लिए गिल्टी प्लेजर हो ऑलमोस्ट लाइक यू नो जस्ट टू हैव फन एंड ऑल दैट बट आई फील दैट आई डोंट हैव टाइम टू डू समथिंग लाइक व्हाट आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट व्हाट यू डू सॉरी मेरी हिंदी वो बहुत अच्छी नहीं है um, तो मैं आपको

वो अगर मैं कुछ सजेशंस मांग रहा हूँ कि अगर आपको आपके पास है कि आप कैसे स्टार्ट हुए या um, what drove you what was that hump that you had to get over uh, to do maybe I'm stuck in the same hump maybe it will be helpful for me मतलब क्या हम है क्या हम कि पे कि कौन किस बात पे आप मैं कुछ करना चाहता हूँ मोटिवेशन मोटिवेशन सो लाइक मे बी दैट मेरे पास दो तीन घंटे uh, ती, तीन चार घंटे बैठने के लिए टाइम कैसा मिलेगा आपको वो सोच के मैं um, करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है पर एवरी डे आई फाइंड माई सेल्फ यू नो ऑफ एंड Uh, I spent two, three hours anyway and just like looking at your videos. है कि अगर आपको बस तीन चार घंटे भी नहीं है तो फिर आप ये काम ना करें क्योंकि ये वो काम है कि इसके लिए आपको फायर की जरूरत है पैशन की जरूरत है और अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आपको वो टाइम नहीं मिलेगा और अगर आपके पास है ना अगर आपके अंदर वो फायर है तो आपको टाइम खुद ब खुद मिल जाएगा वो टाइम आप ख़ुद ब खुद निकाल लेंगे और आपके पास इतना टाइम हो जाएगा इस काम के लिए बाकी सारे वो होता कैसे है वो दिन में तो चौबीस घंटे ही होते हैं वो ऐसे होता है कि जो दुनिया में जिंदगी में जो आपके लिए बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उनको बैक बर्नर पर डाल देते हैं इसका मतलब होता है पैशन होना और बाकी अगर आप कहें बीवी बच्चे वो बाकी के काम जो हैं वगैरह वगैरह तो कोई बड़ा काम विदाउट सेक्रीफाइस नहीं होता अगर आप कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते मैं ये नहीं कह रहा उनको सड़क पर बैठा के आ जाए <laughs> उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट ये काम जो होता है ये हमारे कहने से कुछ नहीं होगा ये आपको खुद अगर आपके पास टाइम होगा और ये ऐसे भी नहीं होता कि आपने अगर काम कर दिया आपने कहा जी अच्छा जी चलो जी मैंने छः हफ्ते लगा दिए छः महीने लगा दिए मुझे कोई पॉजिटिव खातर खवा जवाब नहीं आ रहा लोगों से हारिस और वो गालिब तो बैठे होते हैं उनको तो पाँच पाँच हज़ार लोग एक घंटे के अंदर देख लेते हैं तो मुझे क्यों नहीं देख रहे ये भी लंबी देर की होती है दौड़ होती है गालिब ने मेरे को दो साल बाद गालिब ने स्टार्ट किया था बट उसको भी टाइम लगा और वो सबसे आ गया तो ये सारे काम जो होते हैं ये आपकी लगन होती है आप करते रहते हैं आपको नहीं पता होता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा ये सिर्फ इसका कोई मोटिवेशन नहीं होती कि पैसा मोटिवेशन हो या शोहरत मोटिवेशन हो वो एक बैक बर्नर हो सकता है लेकिन आप बर्न आउट हो जाते हैं जब तक आपके अंदर इस काम की लगन ना ना हो तब तक नहीं हो सकता ये जितने लोग जो मैं आपको एग्जाम्पल अक्सर देता होता तो हूं टेनिस प्लेयर्स जो होते हैं अभी मैं देख रहा था न, नडाल इक्कीसवा ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मैं सोच रहा था उसको चेक मिलेगा अभी टू मिलियन डॉलर्स का और लेकिन क्या इस वक्त उसके जहन में टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर या शोहरतन नहीं इस वक्त सिर्फ उसके जहन में ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप की ट्रॉफी है उसने वो ट्रॉफी उसके लिए सब कुछ है और जो नोवैक जोकोविच जो बीस पे फंसा हुआ था उस वक्त वो भी उस वक्त इसीलिए देख रहा था वो ये नहीं देख रहे होते कि हमें हंड्रेड टेन मिलियन से हमारी वेल्थ जो है वो हंड्रेड एंड ट्वेल्व मिलियन हो जाएगी दैट उनकी हो गया वो ठीक है लेकिन असल जो है वो फायर है उसके गोडों में दर्द हो रही है उसके पेट में दर्द हो रही है उसके हर जोड़ में दर्द हो रही है लेकिन वो

ये सिर्फ प्योरली मोटिवेशन आई थिंक लोग अगर ये समझेंगे हम चैनल चला लेंगे तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके अंदर मोटिवेशन है आप ये सोचते हैं समझेंगे आप ये काम पैसों के बगैर अगर आप कर सकते हैं ना अगर आप ये सोचें अगर आप ये समझेंगे आप वो तो कोई भी नहीं सुनो और आप फिर भी कर रहे हैं तो so. बस फिर आप चैनल भी चला लेंगे फिर आपको चैनल से पैसे भी आ जाएंगे फिर आपको सब कुछ हो जाएगा मगर आई थिंक बेसिक नीड इज मोटिवेशन मोटिवेशन के बगैर नहीं हो सकता जिसके पास मोटिवेशन होगी उसको फिर पैसे भी मिल जाएंगे इससे उसे हो सकता है कुछ और भी मिल जाए इससे वैसे कुछ नहीं है उसके बगैर नहीं हो सकता चैनल आते हैं हैं चले जाते हैं। असल में खड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आपको कितना प्यार देते हैं कुछ भी ना होता ना लोग प्यार देते तो फिर भी शायद मैं और सी काम कर ही कोई वो नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोग क्या आप... जब सबसे बड़ी वसूली वो होती है जब कोई यंग बच्चा आता है आगे कहता है जी हम बदल गए आपने बदल दिया बस बहुत बंदे को दिल को सुकून मिलता है कि हाँ जी आपने

ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पैशन की वजह से होती हैं वैसे नहीं हो सकती अगर आप ए, क्विक एक अपना शौक भी क्विक शौक भी होता है कई लोगों का अब ये देखें ये ये भी मैंने इसको इंग्लिश में करना था ये उर्दू वाली में मैं पता नहीं क्यों नहीं करता मुझे मेरे बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं वो फिर गुम हो जाते हैं ये देखें मेरा नाम फ्लां फ्लां है मैं इस हेल होल पाकिस्तान से हूँ मैं सिर्फ अठारह साल का हूँ बहुत शुक्रिया आपने मेरी जिंदगी चेंज कर दी सात महीने पहले मैंने आपको देखा अब एंड सो हैप्पी विद माई फ्रॉम केज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं केज से निकल आया आई एम अ गुड ह्यूमन बींग एन अमूमनिस्ट मैं दो हजार बीस तक एक इग्नोरेंट बच्चा था बट लेकिन दिस साल मेरी जिंदगी चेंज हो गई और मेरे जो एम्बिशनस हैं वो बड़े हो गए हैं मे अल्लाह आपको हज़ारों हुए दें तो <laughs> इस तरह के अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं और ये हमारे लिए ईंधन होता के और और ये वो फायर से ही आता एक स्टेज आती है जो इजी हो जाता है वो कहते हैं ना पहला मिलियन डॉलर बड़ा कमाना मुश्किल होता फिर आगे मिलियन का दो या तीन बन बन जाता उसी तरह आपका पहला जो कदम होगा पहला हज़ार सब्सक्राइबर जो होगा वो मुश्किल होगा फिर हज़ार के बाद दस हज़ार मुश्किल होगा Yeah. फिर लेके दस हजार के बाद आप एक ऐसे गेयर में होंगे कि आप इंजॉय करेंगे उसको दस okay. से लाख जाना मुश्किल होगा लेकिन yeah. आप उसमें करेंगे बट अगेन अगर आप आप साउथ एक... है ना आई डोंट नो कि में में कितना काम हुआ है। आ, में मैं तेलुगु बात करता हूं पर फिर तिल्गु भी तिल्गु मैं एक एक बार मैं एक बार बोलना चाहता हूँ बोलना चाहता हूं कि नॉट अबाउट मनी वो पैसे के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं मेरे प्रॉब्लम है बिकॉज आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट

आई अग्री विद डेट नहीं agree लेकिन with मैं ये कह रहा हूँ इसमें शर्माने की भी जरूरत नहीं है लोग हैं? ये हमारे क... नहीं हमारे सर समझ आप हमारे कल्चर में इसको गलत समझा जाता है अगर आप इसी को अमेरिकन कल्चर में देखें वो इसको बड़े फखर से कहते हैं ये सब्सक्राइबर होना फेम होना पैसा आना ये कोई बुरी चीज नहीं है ये आपकी सक्सेस की रिफ्लेक्शन है और हर बंदे को सक्सेसफुल होना बेहतर लगता है एज अपोज टू बींग अनसक्सेसफुल जो मैंने आपसे सवाल रखा कि आपको क्या अच्छा लगेगा दो बंदे आपको सुन रहे हैं या दो हजार बंदे आपको सुन रहे हैं ऑब्वियसली दो हजार बंदे सुन रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा hmm. तो तो ये इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूं या पैसे के लिए कर रहा हूं नहीं आप उसके लिए कर नहीं रहे लेकिन वो जब आएगा तो यू विल से वेलकम क्योंकि ये आपकी सक्सेस की एक वर्थ है ये मैंने भी आपको जो टेनिस के प्लेयर की एग्जाम्पल दी ना हाँ, उसकी आईज जो है वो ट्वेंटी वन मेजर पे ही है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा अच्छा मैं भूल गया टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर का चेक लेना वो ऐसा नहीं होगा वो लेगा फिर भी कहेगा यस लेट मी टेक दिस दिस इज अब दिस इज माय हार्ड एंड मनी ये मेरी हार्ड एफर्ट का प्राइज है ये आगे से तो जब हमें जो प्राइज मिलता ना ये प्राइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको ये लेटर भी दिखाया ये लेटर दिखा और थोड़ी सी जय जय हो गई थोड़े से लोग हारिस से देख के मेरे लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है ना वो तब होती है उर्दू का चैनल खुलता ये जितने जो खुले हैं जिनको हमारे से बनती हाँ। भी नहीं है ये मेरे लिए तमगा इम्तियाज है कि वो वो किसी ने कहा था वो किसने कहा वो था नहीं हारिस को देख के बेशक ना भी क्यों लेकिन मेरे लिए तमगा इम्तियाज ये है कि मैं अकेला नहीं हूं जब मैंने शुरू किया था मुझे वो फीलिंग याद है मैंने अपना शुरू के तीन महीने मैंने भी अपनी शक्ल नहीं थी दिखाई ये लोगों को नहीं पता मैंने भी शुरू के तीन महीने अपनी शक्ल नहीं दिखाई पर मुझे मोमनों ने इतना मेरी तो जिंदगी सारी भरी मोमनों की मोमनों के वो जो ताने होते हैं ना ताने देने वाले मैं उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। मैंने जब पेज नहीं खोलना था इन्होंने तंग किया उधर 2017 में उन लड़कों को उठाया मैं उन्होंने कहा ताडी हसीदे से मैंने पेज खोला फेसबुक का फेसबुक का पेज खोल के मैं स्लाइड शो वाली तस्वीरें बनाता था अपनी आवाज़ के साथ लेकिन शक्ल नहीं दिखाता ओ ये तो कोई इंडियन है कोई हिंदू है तो ये ड्रामेबाजी है मैं धर्डी हीदे से मैं शक्ल दिखा देता हूँ शक्ल दिखा के वीडियोज बनाकर फिर इनका मौलवी ने मुझे डंडी करा दी मौलवी आया नहीं मुझे दिखाने मैंने कहा लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई <laughs> और फिर लाइव स्ट्रीम शुरू हुई फिर कॉलों के चक्कर शुरू हुए और फिर और भी इस तरह के चक्कर चलते रहे ये सारे जितने हमने काम किए हैं ये सारे मौलवियों ने उकसाया मुसलमानों ने उकसाया मुझे ये ये काम करने पे तो ये हमारी इससे हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी की एक होती हो कि जब आपको कोई ताने देता ना चैलेंज मारता है कि मैं हूं तो कुछ नहीं कर सकता फिर मैं कहता हूं आजा फिर मैदान में, में तो हर बंदे को अपने, अपने अपना नीश अपने खुद ढूंढना धुण होता है कि क्या चीज़ आपको फायर अप कर दिया अगर आप कोई ये लगता है मेरे पास टाइम नहीं है अगर आपके लिए अपने पैशन के लिए टाइम नहीं है तो इसका मतलब पैशन पैशन नहीं है फिर इट्स नॉट वर्थ इट है आप यू लुक ऑब्वियसली आपकी अपनी सक्सेस होगी जिस फील्ड में आप काम करते हैं मे बी यू नो दीज थिंग्स ये तो आप हम आपको वैसे पैपटॉक दे रहे हैं यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स चले थैंक यू थैंक यू सर वी अच्छा जी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ